नमस्कार साथियों, आज हम अपनी यात्रा पहलगाम से सिमथन टॉप के लिए कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सिमथन टॉप और देखते हैं वहाँ की खूबसूरत नज़ारे। चलिए। पहलगाम से चल के मट्टन जगह पर आ चुके हैं और यहाँ से चल दिए हम लोग सिमथन टॉप की ओर चले जा रहे हैं। हम लोग इस समय डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हैं और यहाँ से हम लोग चले जा रहे हैं अपने सिमथन टॉप की ओर। मट्टन अनंतनाग होते हुए अब आ गए हैं अचवन जगह पर और यहाँ अचवल और यहाँ से सीधे हम लोग चलेंगे सिमथन टॉप। और यह है अचवल पार्क जो मुगल गार्डन की जैसा ही है इसका नज़ारा कुछ, क्योंकि हम लोगों ने बड़े बड़े पार्क देखे हैं इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ दिए सिमथन टॉप की ओर। तो आगे चलते हैं हम लोग सिमथन टॉप की ओर। आदिल भाई ने बताया कि अगर आप कश्मीर घूमना चाहते हैं तो लगभग आप 20 से 30 दिन का टाइम निकाल कर आएं। तो आदिल भाई बताएं कि क्या क्या यहाँ घूमने को मिल सकता है। देखो, ये तो सर गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, सिमथन टॉप है और अचवल, कोकरनाग, वेरीनाग, अहरबल एक वाटरफॉल है और पंगसवेली एक जगह है, उड़ी एक जगह है और क्या नाम है इसका, गुरेज वैली। और इसमें टाइम होना चाहिए, टाइम के साथ आप आ जाओ घूम के, फिर आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा घूम के। तो आदिल भाई बता रहे हैं अगर आपको अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल अच्छी अच्छी जगहों पर बिताना है तो आप हिंदुस्तान का दिल कश्मीर आइए और लेकिन समय निकाल कर आइए। जब भी आप आए तो आदिल भाई को याद करें, ये आपको परिवार की तरह रखेंगे और यहाँ आपको बिल्कुल अपनापन महसूस कराएंगे और आप पूरा शहर कश्मीर घूमेंगे। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए थोड़े से कपड़ों की आवश्यकता होती है, वो आप जहाँ से ले सकते हैं। रास्ते में रुके हैं और कुछ ऐसा शानदार नज़ारा हमको देखने को मिला है, आप देख सकते हैं, ये है झरना। तो आप भी आए, जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको देखें। तो चलते हैं साथियों, अभी सफर दूर है और वहाँ चलकर हम दिखाते हैं सिमथन टॉप में आखिर है क्या। हम ऊपर बर्फ के पहाड़ों पर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें। ऊपर पहुँचेंगे तो आपको हम फिर ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। और हम लोग दक्षिण से सिमथन टॉप जाते हुए शानदार खुशनुमा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, हरी भरी वादियाँ, नीला आसमान और नीचे कई 100 फुट की गहराई यहाँ से दिखाई दे रही है। कई गाड़ियाँ यहाँ से आगे की ओर जा रही हैं। ये देखिए आप शानदार नज़ारा सिमथन टॉप, एक अलग ही जगह है श्रीनगर में। पहलगाम और गुलमर्ग तो आपने सुना होगा, आज आदिल भाई की वजह से आज हम इसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कई लोग आप में से इस जगह आए हों और कई लोग ना आ पाए हों, तो आप ज़रूर आएँ, समय निकाल कर आएँ। और जून के महीने में हम आपको ये ले जा रहे हैं, आज 18 जून है, 18 जून 2024। तो चलते देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है।
खूबसूरत नज़ारा सिमथन टॉप का देख रहे हैं। यहाँ हम लगभग 16,000 समुद्री तट से 16,000 फीट की हाइट पर हैं और आप देख रहे हैं कैसे बर्फ के नज़ारे मन मोह रहे हैं। ये देखिए आप, रास्तों पर फैली बर्फ, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आप ये देखिए, सुंदर मनोरम दृश्य। जून के महीने में दिसंबर जैसा आनंद हम ले रहे हैं और देखिए आप, बर्फ की मोटी मोटी चादर आपको देखने को मिल रही है। लोग मनाली में जाते हैं रोहतांग पास देखने के लिए, क्योंकि वहीं पर बर्फ रहती है और वो भी पिघलने लगी है। ये एक अलग ही जगह है, श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से सिमथन टॉप। आप देखिए, हम जैसा नाम है और वैसे ही हम लोग टॉप पे आ चुके हैं। चारों ओर आपको जो दिख रही है वो खूबसूरत बर्फ है, शानदार नज़ारा है। ये देखिए आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कहाँ हैं इस समय। देखिए आप, दूर दूर तक खूबसूरत नज़ारा, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में आप देखिए। ये है सिमथन टॉप, 18 जून 2024। ये देखिए क्या रोहतांग पास, क्या मनाली, सुपर से भी डुपर देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है बर्फ, ये देखिए, ये है बर्फ। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहाँ तक आपको बर्फ नज़र आ रही है। कड़कड़ाती सर्दी, दांत भी थोड़े से गिटगिटा रहे हैं हमारे, जानते हैं, लेकिन सबसे और अब लोग पहुँच गए हैं सिमथन टॉप। आप देखिए इस गर्मी भरी माहौल में भी प्राकृतिक बर्फ के रूप में छाई हुई है सिमथन टॉप। लोग आ चुके हैं सिमथन टॉप की ऊंचाइयों पर, जहां चारों ओर बर्फ के खूबसूरत नज़ारे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये है खूबसूरत नज़ारा, ऊपर देखिए आप। ये हम सिमथन टॉप पे यहाँ 12 महीने बर्फ जमा रहती है और बस हम सभी यहाँ पे टेम्परेचर के मजे ले रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ठंड है। तो आइए चलते हैं सिमथन टॉप की ऊंचाइयों पर। तो ये बाइक ये जाती है यहाँ से, बुध देखिए, बुध जा रही है। और ये
सैलानी जहाँ से सब जाते हैं। अरे बालक दोनों बर्फ 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 कहते कहते आखिर बर्फ में आई गए और हम भी चल दिए हैं बर्फ में। डॉक्टर बन्ना जी कुछ कहना चाहेंगी आप इस बर्फ के खूबसूरत नज़ारे में? तो ये है खूबसूरत सिमथन टॉप और अभी बहुत ऊपर है, देखते हैं हम कैसे चलते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी बर्फ है, ये देखिए ये बर्फ जम चुकी है। ये देखिए आप, हम और बन्ना जी इस समय हैं सिमथन टॉप पर, वीडियो बनवा लो लड्डू आदि, और हम एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। आप भी आए एंजॉय करें। टिकट लेकर हम लोग भी स्नो बाइक पे चल दिए। देखिए आप ये ऐसे जाती है, जो हमारा अभी नंबर आने वाला है और स्नो बाइक है ये, तो आप भी आए बर्फ का मजा लें स्नो बाइक के साथ। यहाँ खींच के भी ले जाते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये है सिमथन टॉप, आप आए परिवार के साथ और बर्फ का आनंद लें मई जून जुलाई की गर्मी में। ये आ गई है बाइक और अब नंबर है हम लोगों की भी, तो हम चलते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। है गंभीर लास्ट में बैठेगा, उसके हाथ में टिकट रखना मेरे। ये हमारे मृत्युंजय, ये चल दिए ये चल दिए हैं अपनी राइड पर, और अब इसके बाद हम लोग आदर्श जी की बारी है जो बर्फ को खेल खेल के मार रहे हैं। ये आदर्श शर्मा जी की बाइक, इस पे आदि भाई बैठेंगे और डॉक्टर बन्ना जी इस पर बैठ रही हैं। ये इसको हैंडल को पकड़ के रखो, ये चल दिए हैं बैठकर, देखिए आप। और ये आदर्श जी अपनी राइड लेते हुए सेल्फी बनाते हुए, यही एंजॉय है गर्मी के दिनों में, इन्हीं से काम चला रहे हैं बर्फ से। घर जाके तो फिर 49-45-40 में हम लोगों को रहना है। सब लोग अपनी अपनी बारी से पहुंच गए हैं बर्फ के मजे लेने के लिए, अब हम लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और चलते हैं सिमथन टॉप के टॉप व्यू पर व्यू देखने के लिए। तो भाई ये अब मेरी बारी है, ये गाड़ी मेरे लिए आ चुकी है, हम लोग बैठेंगे इस पर और हम चल रही है अपनी राइड पर अपने परिवार के साथ। तो आप भी आए और इन भाई के साथ आप सिमथन टॉप के टॉप पर जरूर जाएं। तो आइए चलते हैं अब अपनी राइड पर। ये बात तो हम चल दिए हैं भाई अपनी राइड पर, आप देख रहे हैं जी सर बैलेंस बराबर ही है। ये मजा, ये देखिए ये ग्वालियर, लोग ग्वालियर इधर से मत चलो, वो साइड से चलो। हमारी सवारी चल दी हम लोग स्नो बाइक पर। बाइक का नाम भी तो क्या नाम है आपका? ये आप देख रहे हैं कि हमारे आज के साथी है, आप भी आए उनके साथ इस खूबसूरत नज़ारे का थोड़ा सा। ये कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, आप लोग ने हमको घुमाया जी सर। तो आप लोग यही रहते हैं? बिल्कुल सर यहीं पे रहते हैं, अभी आप जाइए वहाँ पे एंजॉय करिए, आप फिर वहाँ से आके यहाँ पे वेट करना। ठीक है थैंक यू। ये बात ये
ले लो। ये है सिमथन टॉप और हम लोग टॉप पे आ गए हैं। वो नीचे हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, आप देख सकते हैं सैलानी बर्फ का एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि जब जी अपने अपने घरों में अपने अपने शहरों में जाएंगे तो उनको वही चिलमिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ इस पल को ये जी भर के जी रहे हैं। और ये बन्ना जी बर्फ के गोले चूर चूर करती हुई, हमारे बच्चे भी बर्फ से खेल रहे हैं। ये देखिए ये वापसी के लिए भी लोग पहुंच सकते हैं कि हम इसी से जाएंगे अभी वापस, वो दूसरी गाड़ी आ रही है। ग्वालियर की टीम सिंथन टॉप पे हजीरे की, और अब हम वापस नीचे जाएंगे और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, हमारी बारी का इंतजार है। चलिए नीचे चलो, हमारे सिपेश अल्लार आ चुके हैं जो हमको नीचे लेके जाएंगे। तो ये आदर शर्मा चला रहे हैं गाड़ी, तो ये आदर शर्मा एंजॉय के बाद वापस नीचे जा रहे हैं। ये सैलानी ऊपर से आ रहे हैं और अब मृत्युंजय जाएंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये जो अपनी बाइक ले जा रही है, ये चलाते हुए अपनी बारी, ये देखिए। चलिए इधर देखो जे, ये बात जय जा रहे हैं। सर्दी इतनी है कि आप देख रहे हैं कि ठंड के मारे हमारे दांत किटकिटा रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है, बर्फ गिरने की संभावना। ये बन्ना जी अपनी गाड़ी चलाने के लिए बैठ रही हैं और ये देखिए, ये देखिए स्नूप, ये देखिए। आपने भी सही बोला, चलो भैया मेरा भी बात को ये चलिए। चलिए सर, बिल्कुल सर, मिलते हैं नीचे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। साथियों हम चल दिए हैं अब यहाँ, दो घंटे एंजॉय करने के बाद वापस, क्योंकि मौसम एकदम खराब हो रहा है, तो हमको बताया कि आप सभी लोग यहाँ से नीचे पहुँचे, बर्फबारी या की संभावना है। चलिए एंजॉय किया है पूरा टाइम सिंथा टॉप पर जाकर, सर्दी का नज़ारा तो आप देख सकते हो कि हम गाड़ियाँ ऐसे, हम लोगों ने आज सिंथा टॉप भी देखा और उन्होंने कुछ कंसेशन अपनी तरफ से हम लोगों को इस राइड में कराया, तो हम धन्यवाद देते हैं आदिल भाई का। तो आप भी आए, इनसे बात करें, ये पूरा कश्मीर आपको घुमाएंगे, तो धन्यवाद आदिल भाई, ग्वालियर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत नज़ारा सिंथन टॉप का और लोग एंजॉय कर रहे हैं। टॉप की राइडिंग के बाद हम लोग चल दिए हैं वापस श्रीनगर की ओर, लोग चल दिए हैं अब सिंथन टॉप से पहलगाम की ओर। तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूंगा, ये पहलगांव टू सिमथन टॉप और सिमथन टॉप टू पहलगांव का ब्लॉग था। तो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आदिल भाई को ज़रूर याद करें, ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे।